थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और तीन बुलेट को फॉर्च्यूनर से टोचन डाल देंगे। क्या चाहते हो भाई, फॉर्च्यूनर को टोचन डाल दिया जाए टैंगर के साथ या फिर थार को? क्या कर दिए जी? डेढ़ सौ लीटर तेल डालेंगे गाड़ी में। अमाउंट के जगह लीटर तक। वो ने भाई हॉर्न मार रहा, जा भाई। तो थार चाहिए कि फॉर्च्यूनर चाहिए? बाकी आप प्यार दिखाओगे, नीचे कमेंट बजाओगे, तो भाई हो सकता है फॉर्च्यूनर या थार आ जाए। यार देखो, सुपर बाइक लेनी बहुत आसान होती है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 2 से 3 लाख। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार हेलमेट मैंने इसलिए पहन के स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि देख लो यार कैसा सेटअप है मेरा गोप्रो का, काफ़ी भाई कमेंट करते हैं यार। और हेलमेट भी देख लो, एक्सोर का हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ। तो यार कोई बात नहीं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पीछे टैनर लगी हुई है, ये देखो भाई, दिखा दे रहा हूँ, दर्शन करवा दे रहा हूँ, ये लो भाई, ठीक है, टैनर लगी हुई है। तो व्लॉग को करते स्टार्ट बुलेट में, एंड तक ना बहुत कुछ बताने। तो बुलेट निकल रहा है अभी यहाँ से, और व्लॉग को जरूर पूरा देखना भाई। बाइक तो स्टार्ट हो गई है, तो अभी रोड पे मिलते हैं भाई। तो भाई साहब, तो भाई यार, एक तो टैनर पे इतना ज़्यादा खर्च अभी होने वाला है भाई बाइक पे, मतलब ऊपर से ऊपर एसेसरीज में। यार देखो, सुपर बाइक लेनी बहुत आसान होती है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 2 से 3 लाख रुपए ऊपर लगने वाले हैं। बाकी रही मेरी हायाबूसा की बात, तो भाई हायाबूसा तो गई, ओके बाय हो गई है। तो यार काफ़ी कुछ खर्चा हो रहा है टैनर पे अभी। तो यार एग्जॉस्ट मैंने मंगाया है, धीरे धीरे करके सब कुछ मंगाऊंगा, क्योंकि सीट भी नहीं है। सीट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीट होगी तभी ना भाई घुमाएंगे भाई किसी को पीछे बैठा के, और सीट बहुत ज़रूरी है लेनी। तो सीट भी मैंने मंगा ली है भाई, 48,000 रुपीज़ की सीट है यार पीछे की, समझ लो यार, हिसाब लगा लो। तो अब आप लोग से मैं बात कर रहा था भाई की गाड़ी की, तो अभी यार मैं काफ़ी टाइम से, यार अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ यार कार लेने की। पहले भी आपके भाई ने पोलो रखी थी, देख स्विफ्ट ली थी, फिर स्विफ्ट ली थी, शेवरलेट ऑप्ट्रा ली थी, काफ़ी कार चेंज करी थी, बट मेरा शुरू से शौक था भाई एक फॉर्च्यूनर रखने का। भाई फॉर्च्यूनर मेरी फेवरेट कार थी, वो भी कौन सी, Type 1 फॉर्च्यूनर, पुरानी मॉडल वाली भाई। अभी Type 3 भी आ गई, नई वाली आ गई है, बट जो मेरी फेवरेट है वो Type 1 और Type 2। Type 2 भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है फॉर्च्यूनर, क्योंकि उस पर नए वाले पे थोड़ा सा आगे का हेडलाइट वगैरह चेंज है। तो अभी मेरा बजट नहीं है भाई, बट फिर भी चलेंगे, फॉर्च्यूनर देख के आते हैं। अगर आप लोग भाई सपोर्ट करोगे, प्यार दिखाओगे, नीचे कमेंट बजाओगे, तो भाई हो सकता है फॉर्च्यूनर या थार आ जाए। थार भी एक ऑप्शन में है, स्क्रीन पे फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, देख लो थार की। आपके भाई ने थार पे भी मज़े लिए थे जो मैं थार लेके आया था, और अच्छी थार थी यार, वो भी काफ़ी नई वाली थार थी। तो पुरानी वाली थार भी ऑप्शन है अपने पास, कमेंट करना भाई क्या थार चाहते हो आप लोग आए। ये देखो भाई, एक थार यहाँ पे भी खड़ी है, ये देखो भाई साहब, देख रहे हो, ये सॉफ्ट टॉप है भाई। तो कमेंट कर दो यार, थार चाहिए कि फॉर्च्यूनर चाहिए? बाकी आज चल रहे हैं फॉर्च्यूनर देखने के लिए, और होप ले लेंगे भाई, अगर आप लोग प्यार दिखाओगे ना दबा के। चलते हैं आज देखने, टेस्ट ड्राइव नहीं लूँगा इसलिए व्लॉग पे, क्योंकि अगर भाई चला ली ना तो फिर लेने का मन करेगा, ये चीज़ है भाई, इंसान की डिमांड भाई बढ़ते रहती है, ये वो। मैंने अभी सोचा था भाई टैनर लेने के बाद कुछ नहीं लेना है, बट लेकिन यार डिमांड है ना इंसान की, कभी रुकती नहीं है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। बट कोई नहीं, देखो अभी क्या होता है, आगे आगे अपडेट आप लोग को दे दूँगा। आज टैनर लेके इसलिए नहीं निकले हैं क्योंकि भाई एग्जॉस्ट नहीं है भाई अपनी टैनर पे, और एग्जॉस्ट लगेगा ना फिर वो रॉकेट मिसाइल है भाई, मिसाइल। पहले मैं भूसा को सोचता था कि भाई भूसा के बाद तो कोई बाइक ही नहीं है, भूसा 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 कर रहा था, पर मैंने कभी लीडर क्लास की बाइक चलाई नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ। इतना मज़ा आ रहा भाई 4-5 दिन से, जब से बाइक आई है इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना खुश हूँ, पता नहीं सकता, चला नहीं पाता था, पैर सड़ते थे भाई, हीटिंग इशू भी नहीं होती है टैनर पे उतनी जितना सीन है, बाकी खुश हूँ यार। तो अभी चलते हैं घर, और फिर चलते हैं भाई टेल्को। कौन है भाई, हॉर्न मार रहा, जा भाई। तो फिर चलेंगे भाई साहब टेल्को, दिखाता हूँ आप लोगों को, पसंद कर लो भाई कौन सी गाड़ी है, सब दिखा दे रहा हूँ एक एक करके। कमेंट जो सबसे ज़्यादा करोगे ना वही गाड़ी आ गई, कमेंट कर देना भाई थार या फॉर्च्यूनर कौन सी आए। भाई साहब आओ यार, आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कार का अपडेट, ये देखो आने वाली है भाई बहुत जल्दी, तो सरप्राइज रहेगा आप लोग का, या तो फॉर्च्यूनर या तो थार, सरप्राइज है भाई। कमेंट कर दो क्या चाहते हो भाई, फॉर्च्यूनर को टोचन डाल दिया जाए टैंगर के साथ या फिर थार को?
तो यहाँ पे लगी है एक फॉर्चुनर, ये है ऑटोमेटिक और ये है मैनुअल। तो दोनों गाड़ी का आपको दिखाएंगे इंटीरियर, बाकी प्लान बन रहा है। और यहाँ पे एक्सयूवी भी लगी हुई है, बट ये नहीं, फॉर्चुनर का ही प्लान है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो क्या होता है भाई, आगे आगे अपडेट दूंगा, दोनों गाड़ियाँ देख रेख बड़ी। और ये नई शेप वाली फॉर्चुनर है, ये देखो प्रोजेक्टर, पहले जो आती थी भाई उसका दूसरा शेप था हेडलाइट का, ये नई शेप वाली है, इसका ग्रिल देख लो और काफ़ी शानदार लगती है। ये ऊंची मॉडल है भाई, ठीक है, एक बार इधर से दिखा दे भाई, बैक से आके देख देख लो भाई साहब, गाड़ी का नंबर है वो की रिपोर्ट है 9009। तो भाई साहब यहाँ पे अपनी लगी है स्विफ्ट यानी कि टार्जन, और साथ में ये गाड़ी आज लेने आए थे भाई हम लोग, और भाई ने ये वाली गाड़ी ले ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। वरना ले ली है भाई ने डीजल वाली, क्योंकि इसको यार बहुत टाइम से मन था वरना ही लेनी, क्योंकि उसने कस्टमाइज़ करानी थी गाड़ी को। और भी क्या क्या गाड़ियाँ दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपके भाई का प्लान जो बना है ना वो तो आप लोग को दिखा दिया। यहाँ पर सारी गाड़ी भाई फॉर सेल है, ठीक है। थार चाहिए थी भाई, थार तो अपने पास यहाँ पर है नहीं, देख लो, और यहाँ सब अपने मतलब की गाड़ी नहीं है। अरे बाप अरे बाप, देखो भाई कहाँ से ऊपर, ये कौन सी गाड़ी है, ये सब अपने मतलब की नहीं है। और दिखा दे रहा हूँ भाई, भाई चलो। आएगा सरप्राइज़ आएगा बहुत जल्दी, एक बार यहाँ पे भी देख लो, दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। बहुत धूप आ रही है यार। ये एक्सयूवी स्कॉर्पियो, ये वाली फॉर्चुनर, एक और फॉर्चुनर पड़ी है भाई साहब, ये देख लो ये वाली, ठीक है, स्विफ्ट है, ये है, बाकी और भी गाड़ियाँ हैं स्टॉक में पीछे, पजेरो वगैरह, वो सब नहीं दिखा रहा हूँ। तो फिर भाई क्या डन करें, आपको मैंने सारी गाड़ी दिखा दी है, और अभी एग्जॉस्ट वगैरह टेनर का आ चुका है, तो भाई स्टे ट्यून्ड रहे, टेनर को टोचन जरूर डालेंगे भाई साहब फॉर्च्यूनर के साथ, और 3 बुलेट को फॉर्च्यूनर साथ टोचन डाल देंगे। आप लोगों को सारी गाड़ियाँ दिखा दी है, तो अभी चल रहे हैं, बाकी जो जो काम है वो करते हैं, ठीक है, चलो अभी चला जाए। एक वन फॉर्च्यूनर भी है, इसके प्रोजेक्टर वाले शेप देख लो, अंदर से भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो भाई साहब ये देखो, ये अपने पास एक फॉर्च्यूनर ये भी आ जा रही है, तो ये टाइप वन है, इसका इंटीरियर थोड़ा सा यार ओल्ड स्कूल वाला है, जैसे कि हायाबुसा का होता था। एक बार ऑन करके दिखा दे रहे आपको, एक बार इसका विजन देखो, सुंदर है यार इसका, मतलब ऑडोमीटर भी सुंदर है, और देख लो ऑन हो गई है, जल्दी चली भी नहीं है। तो गाड़ी फॉर्चुनर इज फॉर्चुनर भाई, मैं बता दे रहा हूँ टोयोटा मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका इंजन ऐसा होता ना भाई, मतलब आप जितना मर्जी चला लो इंजन को कुछ नहीं होता फॉर्चुनर के इंजन को। और माइलेज देख लो कितनी आ रही है, यहाँ पे मीटर पे दिखा रहा है 10.3 की एवरेज दिखा रही है, सुंदर है। और देख लो भाई हाई लो 4x4 करने का है, एक हाई दिया है, लो दिया है, न्यूट्रल दिया है, ये इसका गियर है। तो मज़ेदार गाड़ी है यार फॉर्च्यूनर भी, तो अभी निकाल लेते हैं बाहर, बहुत गाड़ी है। हाँ तो भाई साहब चला जाए, गाड़ी सारी देख ली है, और ये वाली कार हो गई ओके, भाई लेके जा रहे हैं, और ठीक है चलो भाई आराम से चलो, और अपना मैं स्विफ्ट पे। तो भाई साहब यहाँ से भी चल गए हैं, निकल गए हैं, ठीक है, और बाय बाय है गाड़ियाँ को, देखते हैं भाई क्या होता है, प्लान समझ नहीं आ रहा, बजट का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो टेनर में बहुत खर्चा हुआ है भाई, ऊपर से भी एग्जॉस्ट वगैरह लगने हैं, तो यार एग्जॉस्ट हो गया, सारे एक्सेसरीज हो गए भाई, 2-3 लाख के सारे सामान है, बट कोई नहीं यार, करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, अब जब इतना बड़ा खूटा मैंने लिया है तो उसको पालना तो पड़ेगा ही। तो चल रहे हैं अभी घर चल रहे हैं, ठीक है, ब्लॉग छोटा सा था, आप लोग अपडेट देना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।